Hello everyone, welcome to our YouTube channel. We hope that you're all fit and fine and are very much prepared for your upcoming NEET exam. Today we both are here to discuss some important topics of chemistry. So ma'am, in chemistry, from where should we start? See, chemistry is a very interesting and scoring subject, but these days we get many queries related to the organic chemistry. So let's begin with the organic chemistry. मैम, ऑर्गेनिक तो इतना वास्ट टॉपिक है, सो ऑर्गेनिक में पर्टिकुलरली हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, बच्चों को ये लगता है कि हम कोई भी चैप्टर उठाएंगे और वहाँ से उसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो वो हमें समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमें एक सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है. अगर हम सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे तो हमें ऑर्गेनिक बहुत मुश्किल लगनी स्टार्ट हो जाएगी. तो इसलिए सीक्वेंस में सबसे पहले हमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करना चाहिए. जीओसी अगर बच्चे का अच्छा हो गया तो फिर आगे वो इजीली पॉप अप कर जाता है. और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहला जो टॉपिक है, दैट इज नोमेनक्लेचर. एंड इन लास्ट 10 प्रीवियस इयर्स आई सी दैट देयर आर 12 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द नोमेनक्लेचर डायरेक्टली 12 क्वेश्चंस. यस. और अगर ये 12 क्वेश्चन 10 साल में आ रहे हैं और ये बार बार रिपीटेशन में आ रहे हैं, तो क्यों ना हम नोमेनक्लेचर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें. हम इनके रूल्स में जहां जहां गलती करते हैं, हम वहां से सीखें कि हम वहां पे गलती ना करें. तो एटलीस्ट वो वाला एक टॉपिक तो हमारा एक पक्का हो जाएगा ना. राइट मैम, डेफिनेटली फिर तो हमें नोमेनक्लेचर से ही स्टार्ट करना चाहिए. सो लेट्स बिगिन विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. स्केलेटन ऑफ द आईयूपीएसी नेम इज नॉमेनक्लेचर. हमारे टॉपिक में, हमारे नीट में आता है. उसमें अगर हम बेसिक स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन जो है वो नाम का वो है सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो सब्स्टिट्यूएंट्स को बता रहा है, और जो प्राइमरी प्रीफिक्स है दैट इज टेलिंग यू द साइक्लिक नेचर. वर्ड रूट इज टेलिंग यू द लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल कार्बन चेन. प्राइमरी सफिक्स आपको बताएगा एन, इन और आइन के बारे में. सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता रहा है. और कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा एज अ प्रीफिक्स ही आते हैं, और उनमें से जो है दैट इज हैलोजेंस, नाइट्रो ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप, और कभी कभी बेंजीन जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट आता है तो हम उसे फिनाइल लिखते हैं. ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2-methylpropanol, तो जो 2-methylpropanol है उसमें जो 2-methyl है that is the secondary prefix. और जो prop है that is the word root because it is telling you the longest carbon chain here. An is the primary suffix and ol is the secondary suffix. You share some examples related to it, ma'am? Yes, ma'am. मैं आपके साथ अभी share करती हूँ ये question. इस क्वेश्चन में फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड हैविंग दिस फॉर्मूला. ये क्वेश्चन मैम एआईपीएमटी प्रीलिम्स में आया था 2009 में. इस क्वेश्चन में अगर हम कंपाउंड देखें, सिंपल हाइड्रोकार्बन है. हम नंबरिंग करेंगे सो यू कैन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम बोथ द साइड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. तो हम दोनों तरफ से नंबरिंग करके देखेंगे. अगर राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1, 2, 3 and 4, दैट मीन्स एल्कीन को यानी डबल बॉन्ड को नंबर 1 मिलेगा एंड ट्रिपल बॉन्ड को नंबर 3 मिलेगा. अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को नंबर 1 मिलेगा एंड डबल बॉन्ड को नंबर 3 मिलेगा. दैट मींस लोएस्ट लोकेंड रूल जो है उसके हिसाब से पोजीशंस दोनों में सेम आ रही है 1 and 3. तो हम उससे तो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे. सो नेक्स्ट आप डिसाइड करोगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. सो हम नंबरिंग करेंगे इस कंपाउंड की राइट साइड से. दैट मींस इस फर्स्ट पोजीशन पे ईन आएगा एंड थर्ड पोजीशन पे आएगा आइन. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा थर्ड ऑप्शन, दैट इज 1-butene-3-ine. तो इसको कई बार ब्यूट 1-ine भी लिख सकते हैं, 3-ine करके, या 1 पहले भी लिख सकते हैं. तो क्योंकि बच्चों को ऑब्जेक्टिव पेपर देख सॉल्व करना है या वहां पे आंसर सिलेक्ट करना है तो वो कैसे भी लिखा हो 1-butene-3-ine लिखा हो या फिर ब्यूट 1-ine-3-ine लिखा हो, दोनों सही है. ऐसे ही अगर हम नाम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ये आया है AIPMT मेंस में 2010 में. इस क्वेश्चन में अगर हम देखें अगेन हाइड्रोकार्बन है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है. अब इसमें अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करते हैं ट्रिपल बॉन्ड को मिलेगा फर्स्ट पोजीशन और डबल बॉन्ड को मिलेगा थर्ड पोजीशन. लेकिन अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं
तो डबल बॉन्ड को मिलेगा सेकेंड पोजिशन एंड ट्रिपल बॉन्ड को मिलेगा फोर्थ पोजिशन. तो अब यहाँ पे लोएस्ट लोकेंड रूल से डिसाइड होगा, क्योंकि राइट साइड से नंबरिंग करने पे 1 एंड 3 पोजीशन आ रही है, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने पे 2 एंड 4 आ रही है. सो 1 एंड 3 इज करेक्ट. सो इस कंपाउंड का अगर हम देखें तो करेक्ट नेम इसका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन विच इज पेंट, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 कार्बन की है. सो दिस इज पेंट 3-ene-1-ine. बिल्कुल करेक्ट मैम. और इसी से रिलेटेड देखो अभी अगर देखा जाए, ये आपने जो क्वेश्चन शेयर किया है इसमें आप देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन पेंट 2-ene-4-ine इज, दिस इज द क्वेश्चन इन 2019. और 2019 का ये जो क्वेश्चन है, ये अगर डायरेक्टली बच्चा शॉर्ट ट्रिक में जाए अगर ध्यान से उसको देखे तो इन मतलब 1 पाई बॉन्ड एंड आइन मीन्स 2 पाई बॉन्ड्स, तो देर आर टोटल 3 पाई बॉन्ड्स. सो नो नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, स्ट्रक्चर बनाए और फिर उतना उसमें टाइम लगाए. वो जस्ट आप देखिए चार ऑप्शंस में से सिर्फ 3 ही पाई बॉन्ड्स हैं जो कि फर्स्ट ऑप्शन में डायरेक्टली दिख रहे हैं. तो ये आंसर तो यहाँ पे करेक्ट है बच्चे का अगर वो फर्स्ट करता है तो. ठीक है, तो आंसर तो फर्स्ट ऑप्शन आ गए राइट. लेकिन मेरा कंसर्न इस क्वेश्चन में जो जाता है वो ये है कि क्या ये नाम सही है, पेंट टू इन फोर आइन, जो भी आपने क्वेश्चन डिस्कस किया इन 2010, ये बिल्कुल सेम वही कंपाउंड है. पर आपने जो बच्चे को अभी समझाया कि हमारा जो नंबरिंग है वो फर्स्ट कार्बन राइट साइड से होना चाहिए, है ना, क्योंकि आइन को इसमें नंबर 1 मिल रहा है और बच्चे को भी लगता है कि डबल बॉन्ड को नंबर प्रेफरेंस पहले देना चाहिए तो वो लेफ्ट साइड से करेगा. तो लेकिन यहाँ पे लोएस्ट लोकेंड रूल को पहले ध्यान में देना है और नाम इसका जो है ये नीट की कॉन्ट्रोवर्शियल एक क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि हम बच्चे को क्वेश्चन करते हुए ये बोलते हैं कि अगर आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने हैं तो चारों ऑप्शंस पे ध्यान दो, चारों ऑप्शंस पे ध्यान दो और फिर जो नाम की जो फॉर्मेशन है उसको भी देखो. तो अगर बच्चा इस नाम को सही मान लेता है तो वो डेफिनेटली गलती कर बैठे, है ना. यस मैम डेफिनेटली. क्वेश्चन अपने आप में बहुत सिंपल था लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि सिग्मा पाई बॉन्ड्स पूछे थे तो किसी ने नाम पे ध्यान ही नहीं दिया, सबने स्ट्रक्चर बनाया जो बन गया और उस पे सिग्मा पाई बॉन्ड्स काउंट कर लिए. बट एक्चुअल में अगर हम IUPAC के रूल्स फॉलो करते हैं तो द नेम जो गिवन था इटसेल्फ इट वाज रॉन्ग. यस कि देखिए पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स को हमने जब भी नाम देना है तो बच्चे को एक बात ध्यान में रखनी है कि एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है किसी कंपाउंड में और बाकी के अगर फंक्शनल ग्रुप हैं तो वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट अपीयर होते हैं. ठीक है, अब बच्चे के सामने डिफिकल्टी ये आ जाती है कि वो किसको प्रिंसिपल माने और किसको सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप माने. ठीक है, तो हमारे पास जो सीरीज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल रहती है, लेकिन हमें उन सीरीज को ध्यान में नहीं देके वी हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो NCERT. बिकॉज नीट का जो भी पेपर है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे NCERT को आपके आंसर के लिए. तो ऐसे ही अगर आपका कोई आंसर गलत हो जाए, चाहे आप सही हो अपनी जगह पे, लेकिन अगर NCERT उस चीज को उठा रही है तो NCERT के अकॉर्डिंग ही आप उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे. तो ये मैं यहाँ पे बच्चों को कहना चाहूंगी कि ये ऑर्डर NCERT में गिवन है और इसी ऑर्डर को आपको फॉलो करना है फॉर द नीट एग्जाम. सो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस ऑर्डर. यस मैम. तो देखिए जैसे अब इसमें मैं अगर फर्स्ट कंपाउंड की बात करूं तो फर्स्ट कंपाउंड में चाहे इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है लेकिन हम डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे देखिए डबल बॉन्ड जो है उसको मुझे प्रेफरेंस देना था यहाँ पे इन कंपैरिजन टू द सब्स्टिट्यूएंट. तो सबसे पहला रूल रहता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और फिर हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड जब भी हो या ट्रिपल बॉन्ड जब भी हो तो हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को जरूर इंक्लूड करना है किसी भी पेरेंट चेन में अगर वो सिंगल वहां पे प्रेजेंट है. तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो मेरे पास 6 कार्बन की चेन बन रही है राइट. और 6 कार्बन की चेन में ये नंबर 1 जो जा रहा है दैट इज फॉर द डबल बॉन्ड लोएस्ट लोकेंड रूल के अकॉर्डिंग. तो दिस विल बी द नेम 4-ethyl-3-propyl-hex-1-ene. इसी तरीके से अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूं तो सेकेंड एग्जाम्पल में COCl फंक्शनल ग्रुप है. ठीक है, एंड दिस इज दी पेंटेनॉइल फ्लोराइड क्योंकि ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है. अब कुछ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जैसे कि एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये है एल्केनॉइल फ्लोराइड है, एस्टर्स हैं, दीज आर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप. तो चेन कहीं से भी स्टार्ट नहीं हो सकती, हमेशा हमें चेन इसी के एंड से स्टार्ट करनी होती है. मीन्स वी शुड हैव टू गिव इट 1 नंबर.
तो यहाँ से जैसे हमने 1 से स्टार्ट किया और ये 5 कार्बन की चेन बनी एंड इट्स करेक्ट नेम इज 2,3-dimethylpentanoylfluoride. यस मैम. और इसमें मैं एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगी, जो हमारा फर्स्ट एक क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्जांपल, उसमें अगर हम देखें तो जो हॉरिजॉन्टली कार्बन चेन दे रखी है ना, वहां पे 7 कार्बन एटम्स हैं. तो कई बार स्टूडेंट्स लॉन्गेस्ट कार्बन चेन काउंट करने के लिए ना वो कंसिडर करते हैं कि 7 कार्बन गिवन है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अगर डबल बॉन्ड है फिर हमें उसे चेन में इंक्लूड जरूर करना है, चाहे वो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है या नहीं बन रही है. बिल्कुल. तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का रूल यहाँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा देखना है. यस. थर्ड जो ऑप्शन क्वेश्चन गिवन है, इसमें अगर हम देखें नंबरिंग करते हैं तो हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल OH. अगर हम इसको लेफ्ट साइड से नंबर करते हैं तो OH को मिलेगा सेकंड पोजीशन, और अगर हम यहाँ पे राइट साइड से नंबर करते हैं तो OH को मिलेगा थर्ड पोजीशन. सो हमें लोएस्ट पोजीशन के हिसाब से चलना है. सो यू विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड. सो 2 पोजीशन पे अल्कोहल है यानी ओल है, फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स यूज होगा तो ये बन जाएगा 2-ol. अब हमारे पास थर्ड पोजीशन पे मिथाइल सब्सटूएंट है एंड वी हैव टू राइट द सब्सटूएंट प्रायर टू द नेम. तो हम पहले लिखेंगे 3-methyl-butane, 2-ol विल बी द करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड. ऐसे ही अगर हम फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में अगर हम लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन काउंट करें तो बहुत सिंपल है, हमारे पास लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन आ गई 7 कार्बन एटम्स की. अब इसमें अगर हम नंबरिंग करते हैं, अगेन लोएस्ट लोकन रूल लगाएंगे तो हम देखेंगे कि राइट साइड से नंबरिंग करने पे जो पोजीशन है वो पोजीशन थर्ड पे आ रही है मिथाइल की एंड फोर्थ पोजीशन पे इट इज इथाइल. सो हमारे पास जब नंबरिंग होगी तो इसका 4-ethyl-3-methyl-heptane हो जाए. तो जो इसका नेम है दैट इज 4-ethyl-3-methyl-heptane. और अभी आपने जो हाईलाइट किया, जैसे अगर हम ये बात करें फर्स्ट वाले एग्जांपल की, तो सेम आप देखिए यहाँ पे जो आप हाईलाइट करके बता रहे थे बिल्कुल सेम एग्जांपल, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है और इसमें बताया जा रहा है देखिए कि हमारा जो नाम है वो ब्यूट-1-ईन है, ना कि 5 कार्बन से शुरू होके, ये पेंटेन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. राइट. तो ये बच्चे के लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो उसमें हमें डबल बॉन्ड को इग्नोर नहीं करना है, उसी उसको चेन में सिलेक्ट जरूर करना है. बिल्कुल. अदरवाइज यहाँ पे 5 कार्बन की चेन कंसिडर कर सकता है स्टूडेंट, तो वो उसको नहीं करना है. बल्कि कुछ और ऐसा ऑप्शन तो जरूर होगा मैम एग्जाम में. हाँ. वो एक ऐसा ऑप्शन जरूर रखते हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स गलत करेंगे. बिल्कुल. अब देखिए जैसे IUPAC नेम अगर 2017 के क्वेश्चन पे जाएं तो 2017 के क्वेश्चन में भी इसी तरीके से 2 फंक्शनल ग्रुप्स आपको दिखाए जा रहे हैं और एक डबल बॉन्ड दिखाया जा रहा है. अब हम जब ऑर्डर बताते हैं तो ऑर्डर में हमें ये बताना होता है कि ओवरऑल ऑर्डर जो है वो है फंक्शनल ग्रुप, देन योर डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूट. राइट. लेकिन अब इसमें जैसे अगर मैं कहूँ कि एल्डिहाइड हमारा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो वहां से नाम शुरू होगा, तो नाम तो हमने स्टार्ट कर दिया वहां से. अब बच्चे को ये कंफ्यूजन हो सकती है कि इसमें डबल बॉन्ड तो आया नहीं. अब क्योंकि बाय सीक्वेंस वो ऐसे ही फ्लो में चल रही है चेन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को जैसे फ्लो में लेना है वैसे ही लेंगे और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पे बनाएंगे. ठीक है. और जो कीटो ग्रुप है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगा, तो दैट मींस कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन की चेन हो गई. राइट. सो दैट मींस ये नाम हो जाएगा हमारा फर्स्ट, दैट इज 3-keto-2-methyl-hex-4-ene-1-al और 4-ene-al भी लिख सकते हैं, और इसको हम कीटो को ऑक्सो भी लिख सकते हैं. तो कई बार अगर ऑप्शन में आपको दिखता है कीटो की जगह पे 3-oxo-2-methyl-hex-4-ene-al, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. राइट मैम. ऐसे ही मैम एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, उस केस में जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, इस केस में मैम ये और भी सिंपल क्वेश्चन था, 2013 नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था. इस क्वेश्चन में रिवर्स करके पूछा है, नाउ नेम इज गिवन, यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर. अब ऐसे क्वेश्चंस में बहुत सिंपल होता है, सबसे पहले स्टूडेंट को वर्ड रूट पे ध्यान देना चाहिए कि जैसे जो भी कंपाउंड का नाम गिवन है, जैसे यहाँ पे गिवन है 3-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-hex-3-ene-5-enoic acid. सो जो वर्ड रूट है दैट इज हेक्स, तो सबसे पहले तो वर्ड रूट पे फोकस करना है कि 6 कार्बन एटम्स हमें लॉन्गेस्ट चेन में चाहिए. एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हमें ओइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स दे रखा है, तो हमें उसको भी चेन में इंक्लूड करना है. एंड एज यू सेड कि वो चेन टर्मिनेटिंग है तो नंबरिंग तो उसी से स्टार्ट होगी.
तो एसिड वाले ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करते वक्त लॉन्गेस्ट स्पॉन्टेनियस चेन ढूंढनी है, जो कि इस क्वेश्चन में अगर हम सारे ऑप्शंस देखे हैं तो चारों में बन रहा है. दैट मींस इससे हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाए क्योंकि हर में ये चीज कॉमन है. फिर हम जाएंगे जो हमारे पास प्रीफिक्सेस गिवन है वहां पे. सो नाउ द फर्स्ट प्रीफिक्स इज 3-ethyl. दैट मींस थर्ड पोजिशन पे इथाइल ग्रुप होना चाहिए. तो अगर हम वो देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें थर्ड पोजिशन पे इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. 2, 3, 4 पे ऐसा कुछ भी नहीं है. सो दैट मींस फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज करेक्ट. अब देखिए इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है. क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि इसमें आप देखें कि 1-bromoproctoin लिखा हुआ है. इसी तरीके से उन्हीं रूल्स पे अगर आप जाएंगे तो इसमें क्या होगा कि नंबर वन आपको एल्कीन से स्टार्ट करना है और जो ब्रोमीन है वैसे वो फंक्शनल ग्रुप है लेकिन उसको प्रीफिक्स से ही स्टार्ट करना है, मतलब वो उसको प्रीफिक्स ही मानना है. राइट तो प्रीफिक्स मानना है तो इसके अकॉर्डिंग तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस आएगा क्योंकि ओवरऑल हमारा जो था वो फंक्शनल ग्रुप देन डबल बॉन्ड एंड देन सब्स्टिट्यूएंट. तो यहाँ पे ब्रोमीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा. ओके तो ये बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल था उसका. ओवरऑल प्रेफरेंस ऑर्डर अगर यहाँ पे जो हम बार बार आपको बता रहे थे ये दिया गया है ओवरऑल प्रेफरेंस ऑर्डर. और कॉमनली यूज्ड एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं दे आर आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल. तो इनका भी बहुत यूज होता है. देयर इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस. राइट तो अगर बच्चा इस पे ध्यान दे कि आइसोप्रोपाइल आइसोब्यूटाइल उसको याद करना है तो डायरेक्टली क्वेश्चन वो क्लिक कर जाएगा. जैसे कि आप देख सकते हैं मैम आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि एक क्वेश्चन आया हुआ है बिल्कुल डायरेक्ट. हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप शेयर कीजिए मैम वो पिक्चर. हाँ एक मिनट ये देखिए मैम 2013 में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, मतलब विद इन सेकेंड स्टूडेंट ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है. स्ट्रक्चर बताना है आइसोब्यूटाइल ग्रुप का. सो यहाँ पे अगर बच्चे को आइसोब्यूटाइल टर्शियरी ब्यूटाइल समझ में आता है तो डायरेक्टली उसको ऑप्शन 4 दिख जाएगा कि फोर्थ ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप. बिल्कुल तो नॉमिन स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है और इतने अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं तो क्यों ना उस पर रूल्स पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और जो कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट्स है उनको हम एनसीईआरटी को फॉलो करके ही यूज कर सकते. सो नॉमेनक्लेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यू शुड फोकस ऑन इट. राइट एंड फॉर मोर वीडियोस यू शुड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. थम्स अप. ऑल द बेस्ट.